गुड आफ्टरनून एवरी वन कराइन्थ ऑफ जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे द हिंदू पी आईबी के करंट अफेयर्स को हम एमसी के थ्रू कवर करेंगे दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माइनमि प्रिंस लूथरा ऑल इंडिया रैंक फाइव सेवेंटी सेवन और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तो दस वेरियस टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर रिजर्वेशन को लेकर एक क्वेश्चन है यूएसटीआर के बारे में देखेंगे वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स न्यूज में मेंशन किया हुआ था इसके बारे में जानेंगे एफ ए फूड प्राइस इंडेक्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन है देन स्पीसीज के ऊपर एक क्वेश्चन है कैरकल कैट के बारे में जानेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की जो बेसिक डेफिनेशन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं देन हमारा डिस्कशन रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी वाले सेक्शन से एंटीबॉडीज के ऊपर औरंगाबाद के ऊपर एक क्वेश्चन है देन बॉडर ऑफ यूक्रेन को लेकर एक क्वेश्चन फाइनली गेंजेटिक डोल्फिन गंगा डोल्फिन के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो मार्किंग स्कीम आपको फॉलो करनी है छह छह से ज्यादा क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए टू बी इन द सेफ जोन लेस लेसन सिक्स अगर आपका स्कोर आता है तो उसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिजर्वेशन यहाँ पे वेरियस टाइप के रिजर्वेशन होते हैं जिसमें वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है रिसेंटली न्यूज में था तो यहां पे पूछा गया कि बताएं कि कौन सा रिजर्वेशन किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट के जो

ओबीसी रिजर्वेशन दिया पंद्रह परसेंट शेड्यूल कास्ट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हमारा हो गया शेड्यूल ट्राइब ठीक है सो फोर्टी पॉइंट ये हो गया हमारा पूरा रिमेनिंग जो है आपका फिफ्टी पॉइंट फाइव परसेंट दैट इज अनिजर्व वो क्या है वो अनरिजर्व है दैट मीनस वो सभी के लिए वो एस के लिए भी है एस के लिए भी है ओबीसी के लिए भी है जनरल के लिए भी है ठीक है सो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल रिजर्वेशन लेकिन देखिए अब ये आपका अनरिजर्व है ये एस है एस है ये ओबीसी है इसके अंदर भी तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है ना फॉर एक्जाम्पल रिजर्वेशन जो वुमेन को देते हैं कि 50 परसेंट रिजर्वेशन वुमेन को दे रहे हैं तो 50 परसेंट वुमन जो है अनरिजर्व कैटेगरी से आनी चाहिए 50 परसेंट वुमेन शेड्यूल ट्राइब से आनी चाहिए 50 परसेंट वुमेन शेड्यूल कास्ट से आनी चाहिए और फिफ्टी परसेंट वुमेन ओबीसी से आनी चाहिए सो वट इज दिस दिस इज द दरिजोनल रिजर्वेशन तो आपका जो वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं इसके अंदर जो हर कैटेगरी के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है जैसे विमेन को दिया जाता है इवन जो पीपल विद डिस होते हैं वो भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वो शेड्यूल ट्राइब से भी हैं जितना भी रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है शेड्यूल काट से भी है ओबीसी भी है और अनर रिजर्व से भी है तो ध्यान रखिएगारिजोनटल रिजर्वेशन तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है थर्ड पीडब्ल्यू डी जो है ये आपके आते हैं होरिजोनटल रिजर्वेशन के अंदर आंसर क्या हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर तो हर वर्टिकल कोटा के अंदर जब हम कहते हैं कि इतने परसेंटेज पीडब्ल्यू डी आने चाहिए इतनी परसेंटेज वुमेन आनी चाहिए दैट इज कॉल्ड द रिजर्वेशन ध्यान रखिएगा इसके अलावा कुछ आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आर्टिकल 16 सब आर्टिकल फोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये वर्टिकल रिजर्वेशन को कॉन्टेपलेट करता है इसके बारे में बताता है एंड आर्टिकल फिफ्टीन सब आर्टिकल थ्री जो है के बारे में तो दोनों चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है यूएसटीआर को लेकर पूछा गया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर के लो लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कौन सा कथन आपका सही है इट इज रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूएस इंटरनेशनल ट्रेड यूएस ट्रेड को कोऑर्डिनेट करने के लिए डेवलप करने के लिए यूएसटीआर का इस्तेमाल किया जाता है रिस्पांसिबल होता है

आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज है खासतौर पर डिजिटल सर्विसेज के लिए जो काफी जानी जाती है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन ऐसा कहा गया कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा इटली के द्वारा टर्की के द्वारा वो काफी डिस्क्रिमिनेटिंग है नेचर के अंदर क्योंकि जो यूएस की कंपनीज है उनके अगेंस्ट में टैक्सेस ज्यादा लगाए जा रहे हैं और इन कंट्रीज की जो खुद की कंपनीज है उनके अगेंस्ट में टैक्सेस कम है तो काफी इनकंसिस्टेंट टैक्स प्रिंसिपल्स और टैक्स प्रैक्टिस को यूज किया जा रहा है यूएसटीआर और इसमें क्योंकि इंडिया का नाम भी आया है है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पे परस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूएस इंटरनेशनल ट्रेड पहली में ठीक हो जाती है और ऐसी कंट्रीज जहां पर लगता है कि जो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी हैं, उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन या फिर उनको एक हो है, वो दिया जा सकता है इसके द्वारा तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती है आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा रिसेंटली यूएसटी ने कहा था कि जो एमेजोन है एपल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है इसके अगेंस्ट में जो टैक्स जीम है वो डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर की है इंडिया के अंदर इटली के अंदर और टर्की के अंदर ध्यान रखिएगा तो एमेजोन गूगल एपल को लेकर ये जो इशू है ये छिड़ा गया था और जो है मेनली इस तरीके के जब भी आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसके अंदर मीडिएशन का काम करता है ये भी ध्यान रखिएगा है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर थ्री

इंक्रीज होता जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो रिलीज किया गया है और क्योंकि रिसेंटली न्यूज काफी पॉजिटिव है इसको लेकर यहां पे जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है और साथ में फूड वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स होता यह भी न्यूज में था तो ध्यान रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर चलिए चलते हैं इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं

उसको ये इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है तो ध्यान रखिएगा तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है यहां पे जो बेस पीरियड लिया जाता है वो है दो से सोलह का तो यहाँ पे बेस पीरियड दो हजार वाला गलत दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है तो कौन सी एजेंसी इसको निकालती है वो पता होना चाहिए इसके अंदर मेजर क्या, क्या क्या किया जाता है वो पता होना चाहिए कितने टाइम के बाद ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन के बाद इसमें चेंजेस को रिफ्लेक्ट किया जाता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए और इसका बेस पीरियड क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं एरियाज में से बन के आएगा प्रीलिम्स के अंदर अगर आएगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नंबर के ऊपर फिफ्थ को देखते हैं जो कि कैरेकल कैरेकल कैट कैट को ले कर है, कैट को लेकर लेकर है न्यूज में दिया गया था दैट्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ध्यान रखिएगा ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं लेकिन बाकी एग्जाम्स पीसीएस एंड ईपीएफओ के अंदर एक से ज्यादा एक या दो से ज्यादा क्वेश्चन भी इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं आपसे तो ध्यान रखिएगा पहला यहां के यहाँ पे स्टेटमेंट कहते हैं दे आर एंडेंजर्ड एज पर आईन लिस्ट लिस्ट के हिसाब से ये एंडेंजर्ड है इट इज नोन एज जंगली बिलाव इन राजस्थान राजस्थान के अंदर इन्हें जंगली बिलाव के नाम से जाना जाता है सोचिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए तो यहां पे देखिए बेसिकली तीन मेजर स्टेट्स है जहां पर ये पाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर गुजरात के अंदर एंड राजस्थान के अंदर ठीक है ये तीन मेजर स्टेट्स हैं जहां पे आपको कैरेकल कैट जो है वो मिलेगा

सिया गोश के नाम से जाना जाता है ठीक है और गुजरात के अंदर इसे हो कहते हैं जिसका मतलब होता है किलर ऑफ ब्लैक को मारने वाला ठीक है राजस्थान के अंदर इसे वाइल्ड कैट या जंगली बेलो के नाम से जाना जाता है तो ये तीनों नाम भी याद रख लीजिएगा एग्जाम में कहीं पर भी इन चीज का मेंशन किया जा सकता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाने से पहले मैं आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम डेज की सीरीज और मिशन यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की सीरीज के बारे में बता देता हूं आप जानते हैं डे बाय डे एक एक दिन जो आपका एग्जाम का है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है एग्जाम्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं तो ये मैं आपको एक so, एक कोटेशन के थ्रू समझाता सो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जिसने काफी मुझे मोटिवेट किया था एंड आई फाउंड दिस बिफोर द थर्ड फेलियर इज नॉट अ सिंगल कैटेकलिसमिक इवेंट यू डोंट फेल ओवरनाइट इन स्टेट फेलियर इज फ्यू एरर्स इन जजमेंट रिपीटेड एवरीडे तो देखिए आप फेल जो होते हैं ना वो किसी भी एक गलती को करने की वजह से नहीं होते हैं आप एवरीडे बेसिस पे जो डिसिप्लिन आपको फॉलो करने एवरीडे बेसिस पे जब आपको जो टारगेट्स दिए गए वो फॉलो करने वो आप नहीं कर पाते और एक दिन के बाद दूसरा दिन जो है वो बीतता चला जाता है इवेंचुअली जब आपके सामने एग्जाम आता है वो फिर डिसाइड करता है कि आप क्या कट ऑफ से ऊपर जाएंगे या कट ऑफ से नीचे जाएंगे दैट्स वाई यहाँ पे आपको अगर एवरीडे बेसिस पे आप अपने डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं और डे वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली जो रिजल्ट आपका आता है वो भी आपके फेवर में आता है लेकिन अगर एट द सेम टाइम इसी चीज को आप उल्टा करते हैं एवरीडे बेसिस पे असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे एक दिन फॉलो नहीं करेंगे तो चलेगा ठीक है। लेकिन अगर अगर पे डे बेसिसन डे टू डे थ्री के अंदर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो इवेंचुअली जो है सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी दैट्स वाई ये जो प्रोग्राम था डिजाइन किया गया था क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का इशू यही था कि एक तो वो शेड्यूल नहीं बना पा रहे और शेड्यूल बना पाते हैं तो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं सो देट यहाँ पे आपको इस तरीके से असाइनमेंट्स को डिजाइन करके दिया गया ताकि आप उसे डे वाइज में कवर भी कर ले और साथ में सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको टाइम मिल जाए लेकिन करना आप ही को पड़ेगा आपको अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा अदरवाइज जो ये छोटे छोटे फेलियर्स होंगे छोटे छोटे एरर्स होंगे जो एक दिन का असाइनमेंट आपने नहीं किया फिर सेकंड डे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा फिर नहीं पढ़ा तो ये अक्यूमुलेट होकर एक तरीके से फेलियर का रीजन बन सकता है दैट्स जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए गए एवरीडे बेसिस पे कंप्लीट करें जो भी डे वाइज आपको जो टारगेट सेट गए आपके लिए वो आप अपने कंप्लीट जरूर करिएगा चलिए चलते हैं न्यूजपेपर है, में, पेपर में, में, में किया गया था काफी वैसे इसके बारे में हम जानते ही हैं अभी तो पहली स्टेटमेंट कहती हैल गवर्नमेंट सौ प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगता है इसके अंदर दे आर इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी इसे इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा किया जाता है और इट डील्स विद द सब्जेक्ट्स विच फॉल इन द यूनियन लिस्ट ज्यादातर उन्हीं सब्जेक्ट के साथ डील किया जाता है जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल करती है सोचे फिर डिस्कस करते हैं चलिए देखिए ये चीज फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस मैंने आपको यही बताया था तो पहले तो स्टेटमेंट कर सकते थे और ए को एलिमिनेट कर सकते थे अगर बात करी जाए तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है इसमें जो सब्जेक्ट चाहते हैं यस दे आर फ्रॉम द यूनियन लिस्ट एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है इंप्लीमेंट करने के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर जो है है पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहां पर इनकरेक्ट है कौन सा कथन आपका गलत है तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट कहती है एक एंटीबॉडी जो होती है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है हो सकता है इट इज अर्ज एक्सप्रोटीन यूज इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरन ऑब्जेक्ट्स Such as and एक large X होता है, जो कि कहाँ पर यूज होता है यूज बाय इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है ताकि जो भी फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके हो सकता है किलर टी सेल्स आर एम्फोसाइट किलर टी सेल्स जो होते हैं टी लिम्फोसाइट होता है या फिर अटाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होता है जो की कैंसर सेल्स को किल करता है सोचे फिर डिस्कस करते हैं चलिए तो अभी रिसेंटली जो हमारा एक जर्नल है जर्नल साइंस के अंदर एक चीज मेंशन करी गई थी कि जो भी लोग कोविड नाइनटीन से अफेक्ट हुए थे और जिन पेशेंट्स ने रिकवरी कर ली उनके अंदर एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है जो कि आगे आने वाले महीनों और हो सकते हैं सालों तक उनको दोबारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचा के रखेगी इस इन्फेक्शन से बचा के रखेगी ऐसा स्टडी ने कहा था तो स्टडी के साथ साथ और जो चीजों का मेंशन किया गया था वो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है क्या एंटीबॉडी जो होती है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है तो यस पहली स्टेप में आपके ठीक है एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन के तौर पर भी जाना जाता है किलर टी टी होते होते हैं हैं ब्लड सेल्स सेल्स जो, जो कि कैंसर सेल्स को किल करते हैं ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है एट द सेम टाइम जो एक्स शेप प्रोटीन होता है तो यहाँ पे एक्स शेप प्रोटीन है, वाई शेप प्रोटीन जो होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं और इम्यून सिस्टम में जो फॉरन एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर करते हैं

तो किस नाम से इसे रीनेम करने की बात करी जा रही है क्या विश्वनाथ नगर बाजीराव नगर शिवाजी नगर या फिर सांबाजी नगर सोचे चलिए तो औरंगाबाद जो है इट्स सिटी इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है जिसका नाम बदल के साबाजी नगर रखने की जो मांग है वो करी जा रही है ध्यान रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं Nine पूछता है ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन तो यूक्रेन को लेकर न्यूज थी क्योंकि अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूज थी उसको मैं बताऊंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के से नहीं है लेकिन जो यूक्रेन की लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो यूक्रेन को कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच नहीं करता है बेलारूस है रशिया है पोलैंड है या फिर टर्की है सोचे चलिए तो रिसेंटली ये न्यूज थी एक साल पहले यूक्रेन का एक एयरलाइनर जहाज था जिसे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने शोट डाउन कर दिया था ठीक है तो इसमें काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी और यहाँ पे यूक्रेन ने कहा है कि जिन लोगों की डेथ हुई थी उनकी फैमिलीज को जस्टिस मिलना चाहिए और इसी वजह से ईरान को भी यहां पर उसके बारे में भी जिक्र किया गया है तो यहाँ पे यूक्रेन और ईरान को लेकर इशू था ईरान की लोकेशन के बारे में मैंने आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट टाइम भी हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोस के बारे में डिस्कशन किया था यूक्रेन की लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो दूसरी कंट्रीज है इसके बॉर्डर को टच करती है तो बताएं क्या बेलरूस रशिया पोलैंड टर्की में से कौन सी ऐसी कंट्री जो इसके बॉर्डर को टच नहीं करती है चलिए एक बार देख लीजिए यहां दिस इज यूक्रेन यहां पे, so, पे रशिया इसको टच कर रहा है बेलारूस आपको टच कर रहा है पोलैंड टच कर रहा है देन यहां पे छोटा सा टच कर रहा है देन हंगरी है एंड देन आपका है रोमानिया देन है मोलदोवा और यहाँ नीचे आपका है ब्लैक सी ठीक है टर्की जो है वो दूर है काफी वो टच नहीं करता है तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर टर्की का बॉर्डर जो है वो यूक्रेन को टच नहीं करता है और वैसे भी यहां पर देखिए मैंने आपको दो तीन लोकेशंस बताई हैं जिसमें से जो इजराइल वाली लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है अफ्रीका वाली लोकेशन जो डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को लेकर लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कौन सा कथन आपका सही है इट्स इज अ वर्ल्नरेबल स्पीसीज ये वर्नरेबल स्पीसीज है तो आई के हिसाब से प्रॉबर्बली बताया जा रहा है इट इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल नेशनल एक्वाटिक एनिमल है ये, इंडिया का क्ट नाइनटीन सेवेंटी 1972 तो गंगा डॉल्फिन को किल करना यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेवेंटी टू के हिसाब से एक पनिशेबल ऑफेंस है सोचे फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं चलिए तो रिसेंटली एक वीडियो जो था वो काफी वायरल हुआ था और उसमें दिखाया गया था कि कैसे कुछ लड़के जो थे उन्होंने एक गंजेटिक डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को काफी मारा और उस, और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई जो डॉल्फिन थी उसकी डेथ हो गई तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था उसके बाद जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनके अगेंस्ट में कार्यवाही भी स्टार्ट हुई हमारे लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है गंजैटिक डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन का जो स्टेटस है सो इट इज एंडेंजर्ड डेंजर्ड स्पीसीज वॉल्नरिबल नहीं है ध्यान रखिएगा इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल के तौर पर भी इसे जाना जाता है तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और गेंजेटिक डॉल्फिन को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है तो ये जो लोग जो इसमें शामिल थे जिन्होंने इस गंगा डॉल्फिन की हत्या करी है डेफिनेटली उनको वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन सेवेंटी के अंदर चार्ज किया जाएगा तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा तो दस क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं मैं अभी आपको दो मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूँ और दिस इज गोइंग टू विद एक्टिव रिविजन उसके बाद प्रिलिम्स और मेन्स का क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ चलिए शुरुआती दौर में मैंने आपसे रिजर्वेशन के बारे में पूछा था जल्दी से मुझे बताएं कि विमेन जो है वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं कॉमन सेशन में जल्दी से बताएं तो मैंने आपको बताया था कि पीडब्ल्यू डी वेन और जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब है उनमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस होता है कैसे अक्रॉस द लाइंस आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो दिया जाता है विमेन पीडब्ल्यू डी जो है आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं और सौरभ यादव वर्सेस यूपी का जो केस था वो मैंने आपको बताया था देन वी डिस्कस्ड अबाउट यूएस और इसके अंदर जल्दी से मुझे बताएं कौन सा सेक्शन था जिसको यूज किया जाता है जिसमें दूसरे देशों के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी पावर होती है यूएसटीआर को और यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि टर्की इटली और इंडिया जो है वहां पर एक तरीके का जो टैक्स रेजिम चल रहा है डिजिटल सर्विसेज के लिए वो यूएसटीआर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेटरी है और अनफेयर है ये हमने डिस्कशन किया था इसके अंदर और इसमें मैंने आपको बताया था एमेजन गूगल और एप्पल के बारे में भी सेक्शन थ्री को ध्यान रखिएगा देन वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है कमेंट सेक्शन में बताएं पिछले सात महीनों से कंसेक्यूटिव इंक्रीज इसके अंदर देखा गया है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर आता है और नेक्स्ट हमारा डिस्कशन इसी से एसोसिएटेड था तो यहाँ पे बेस पीरियड मुझे जल्दी से बता दें इसके अंदर एक बास्केट ऑफ कम्युनिटीजीजी जो होती है उसको इंक्लूड किया जाता है जिसमें सीरियल्स ऑयल सीड्स डेयरी प्रोडक्ट्स मीट एंड शुगर को इसमें डाला जाता है इसके अलावा मंथली चेंज जो होता है इंटरनेशनल प्राइजेस के अंदर उसको भी यहाँ पे मेजर किया जाता है दो चौदह से सोलह का जो बेस है, वो इसके अंदर कंसिडर किया जाता है देन वी डिस्कस्ट अबाउट कैरेकल कैट इसे कैरेकल कैट को पे पाया जाता है जो मैंने तीन स्टेट्स के नाम बताए थे वो जल्दी से बताएं। IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है ध्यान रखिएगा और जंगली बिलाव इसे कहा जाता है राजस्थान के अंदर ठीक है ये चीज भी इंपॉर्टेंट है अगर पूछा जाएगा तो बाले प्रोडक्शन सेवेंटी टू में कहां आता है, ये भी पूछा जा सकता है शेड्यूल वन के अंदर साइट्स अपेंडिक्स अपन के अंदर इसे हॉर्नोथ्रो कहा जाता है कहां पर गुजरात के अंदर एनशीओ घोष कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान में ये वाइल्ड कैट पाई जाती है फिर हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर सिक्स को लेकर जहां मैंने आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में बताया था जल्दी से मुझे बताएं कितना परसेंटेज रहता है सेंटर का इसके अंदर काफी इजी है अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एट द सेम टाइम यूनियन लिस्ट की जो चीजें होती है उनसे डील किया जाता है इसके अंदर देन क्वेश्चन नंबर में हमारा डिस्कशन हुआ था पर्टिकुलर वाई प्रोटीन को लेकर साथ मैंने एंटीबॉडीज के बारे में भी बताया था इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है और टी सेल्स किसको मारते हैं ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर किलर टी सेल्स क्यों कहा जाता है इन्हें वाई शिप प्रोटीन जो होता है इम्यून सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल करता है ताकि जो भी फॉरन ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके तो यहाँ पे किलर टी सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा औरंगाबाद का नाम चेंज करके शामी नगर रखने की डिमांड करी जा रही है ये भी याद रखिएगा देन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमारा डिस्कशन यूक्रेन को लेकर हुआ था कौन सी कंट्री टच करती है उस एक कंट्री का नाम बताएं वैसे काफी सारी कंट्रीज मैंने आपको मैप पे दिखाई थी और मैंने यूक्रेन और ईरान का जो इशू था वो भी आपको डिस्कस करके बताया था आप बताएं कौन सी कंट्री टच करती है दी जाता है वेरियस कंट्रीज किसी का भी नाम आप बता सकते हैं और याद जरूर रखिएगा इस चीज को लास्ट में गेंजेटिक डॉल्फिन के बारे में देखा था जल्दी से बताएं क्या स्टेटस है इसका वर्नरेबल है एंडेंजर्ड है लीस्ट कंसर्न है इट इज़ नेशनल एक्वाटिक एनिमल और अगर किसी भी तरीके का नुकसान इसको पहुंचाया जाता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन टू के अंदर पनिशेबल ऑफेंस होता है ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा सो इट इज एन एंडेंजर्ड चलिए तो यहाँ पे रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है अब मैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन पूछूंगा चलिए तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है हम्पी के बारे में हमने लास्ट टाइम इसको इसकी लोकेशन जो थी वो भी देखी थी और मैंने आपको न्यूज भी बताई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर तो प्लीज बताइएगा हम्पी कहां पर लोकेट करता है और मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है मेनी स्टेट्स डिमांड टू कम अंडर शेड्यूल शेड्यूल के बारे में आजकल काफी जिक्र हो रहा है और हमने इसके ऊपर भी डिस्कस करें बताइएगा कि शेड्यूल शेड्यूल्स एरियाज में आने के फायदे क्या होते हैं काफी सारे स्टेट्स कहते हैं शेड्यूल शेड्यूल्स रीजन के अंदर वो आना चाहते हैं तो क्या उनकी डिमांड जस्टिफाइड है कि नहीं तो इसका आंसर आप जरूर करिएगा ठीक है चलिए जो सेकंड चैनल है हमारा इसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज एनसीआरटी के वीडियो इसके अंदर इंटरमीडिएटली जो है वो डाले जाएंगे अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आगे आने वाले टाइम में आप उसे इंप्रूव होता हुआ देख पाए एट द सेम टाइम जो पीडीएफ है वो आपको टेन पी पर मिल जाया करेगी एवरी डे बेसिस पे ठीक है और अगर लेस देन सिक्स अगर आपने स्कोर किया है तो कोशिश करें दोबारा से उसे अटेम्प्ट करने की सो दैट आपके जो मार्क्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो वो टेन आउट ऑफ टेन आने चाहिए मैंने काफी बार देखे स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट टाइम में दो तीन चार स्कोर करते थे लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने जब रिवाइज करना शुरू किया टेन आउट ऑफ टेन स्कोर करना शुरू किया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उनका खुद ही मेरे पास मैसेज आया कि उनकी जो स्कोर है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो गया तो जस्ट डू नॉट इग्नोर इट अगर स्कोर कम आ रहा है आपका तो उसे दोबारा से रिवाइज करना काफी जरूरी है अगर छह या सात का स्कोर भी है तो भी ट्वेंटी फोर आवर्स में एक बार रिवाइज करना जरूरी है तो रिवाइज जरूर करिएगा इस चीज को कोई भी आपका डाउट होता है तो आप एट द रेट प्रिंस भी मुझे भेज सकते हैं या फिर जो आपका गाइडेंस प्रोग्राम है उसे ले सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुमारो